नमस्कार दोस्तों, बीसीडी टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों ये है मेरी एक यूएसबी माइक्रोस्कोप और फिलहाल इस माइक्रोस्कोप से मैं आपको इन दोनों फोन के जो डिस्प्ले पैनल है उनमें डिफरेंस दिखाने जा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको रेडमी नोट 3 का डिस्प्ले पैनल दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है Xiaomi Redmi Note 3 की LCD के पिक्सल्स। तो देख सकते हो कि दोस्तों पिक्सल्स आपके बने हुए हैं रेड, ग्रीन और ब्लू से, और फिलहाल ये पिक्सल्स आपके अलाइन है एक तरह से एक रो के अंदर, और फिलहाल इनकी जो लेंथ है वो कम है एज कम्पेयर टू हाइट। दोस्तों आइए अब देख लेते हैं ला इको ला टू के पिक्सल्स। दोस्तों अगर यहाँ पर ला इको ला टू के पिक्सल्स की बात की जाए तो ला इको ला टू के पिक्सल्स भी बिल्कुल दोस्तों वैसे ही है, वही सेम अरेंजमेंट है और दोस्तों वही सेम यहाँ पर लेंथ और हाइट है। इवन दोस्तों यहाँ पर अगर आप टोटल पिक्सल्स को काउंट करें इस फ्रेम के ऊपर तो फिलहाल दोस्तों ये सेम उतने ही हैं जितने कि आपको यहाँ पर Redmi Note 3 में मिले थे। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर इन दोनों डिस्प्ले का जो पिक्सल्स पर इंच डेंसिटी है वो बिल्कुल सेम है। और फिलहाल यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ Xiaomi Mi 5 का डिस्प्ले, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके जो पिक्सल का डायमेंशन है दोस्तों वो काफ़ी छोटी है एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 3 और ला इको 2। और फिलहाल यहाँ पर जो पिक्सल की डेंसिटी है दोस्तों वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग है, और इवन पिक्सल की जो ओरिएंटेशन है दोस्तों वो भी काफ़ी डिफरेंट है। तो दोस्तों ये रहा Xiaomi Mi 5 का डिस्प्ले, और इसके ऊपर आप डायरेक्टली कैपेसिटिव टच स्क्रीन के डायमंड स्ट्रक्चर को देख सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर देखा कि कैसे मैंने इस यूएसबी माइक्रोस्कोप से इन तीनों टेक्नोलॉजी की जो LCD पैनल्स है उनको स्टडी किया, और इवन यहाँ पर जो रिजल्ट्स आए हैं दोस्तों काफ़ी इंप्रेसिव है। Xiaomi Redmi Note 3 और ला इको ला 2 के जो डिस्प्ले है वो लगभग सेम है, सिमिलर टाइप के पिक्सल्स अरेंजमेंट है, और इवन दोस्तों देखा जाए तो पिक्सल डेंसिटी भी लगभग सेम है। जबकि दोस्तों Xiaomi Mi 5 के जो डिस्प्ले के पिक्सल्स हैं उनका जो साइज है वो काफ़ी कम है, और यहाँ पर दोस्तों डेंसिटी भी काफ़ी हाई है, और इवन दोस्तों अरेंजमेंट भी इसकी काफ़ी डिफरेंट है। और साथ ही में दोस्तों इस Mi 5 के डिस्प्ले के ऊपर मैं ITO की जो डायमंड टाइप के स्ट्रक्चर है कैपेसिटिव टच स्क्रीन वाले, तो फिलहाल उसको मैं डायरेक्टली देख सकता हूँ इस USB माइक्रोस्कोप से। तो दोस्तों यहाँ पर Xiaomi और ला TV के जो डिस्प्ले है उनकी जो टेक्नोलॉजी है उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जबकि दोस्तों यहाँ पर सिर्फ स्क्रीन साइज के ऊपर डिपेंड करता है। फुल रेजोल्यूशन वाला स्क्रीन साइज अगर छोटा हो जाए तो आपकी जो पिक्सल की डेंसिटी है वो बढ़ जाती है और पिक्सल का साइज भी यहाँ पर छोटा हो जाता है। जबकि दोस्तों अगर सेम रेजोल्यूशन वाले बड़े डिस्प्ले को देखोगे तो आपको जो पिक्सल का साइज है वो बढ़ जाएंगे और इवन दोस्तों डेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है टेक्नोलॉजी के बीच में, सब कुछ एक ही है, चाहे वो Xiaomi के फोन से हो चाहे वो ला TV के फोन से हो। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर नहीं पसंद आया तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसका लिंक यहाँ पर फ्लैश कर रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप आगे आने वाली इसी टाइप की टेक्निकल वीडियोस, गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फोन रिव्यूज देख पाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।